मैं रजिंदर बजाज अर्थ प्रकाश के माध्यम से आज मौजूद हूँ सेक्टर 36 DSOI के सामने। यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत आर्ट वर्क का क्या कहते हैं इस गार्डन को, सैनिटरी गार्डन में बैठा हूँ। मेरे साथ हैं डॉक्टर भुविंदर कौर जी, जो कि पेशे से आर्टिस्ट हैं, रिटायर्ड टीचर भी हैं। तो आज हम इनसे मुलाकात करके इनसे पूछेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, थोड़ा बताएंगे ना। हाँ जी सर, ये हिस्ट्री है। कई लोग तो इसको एक रेप्लिका ऑफ रॉक गार्डन भी कहते हैं, जो कि टोटली डिनाई करते हैं, क्योंकि वो एक मटेरियल के साथ परमानेंट स्ट्रक्चर है और ये है डिसमेंटल करके ब्लॉक को आप बार बार बना सकते हैं, उसको डिफरेंट शेप दे सकते हैं। ये आपकी इनोवेशन जो है हर एक बच्चे की अलग अलग होती है। तो ये जो आर्ट पीसेज है, कौन से आर्ट पीसेज है, ये सारे ही सैनिटरी वेयर है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ सैनिटरी गार्डन। जो वेस्ट होता है सैनिटरी का, इट इज नॉट अ वेस्ट, वेस्ट मतलब यूज नहीं है हमारे, यूज नहीं। ये ट्रांसपोर्टेशन में जो ब्रेकेज हो जाती है और पीस वो फिर अनसेलेबल हो जाता है, या कोई ऐसी मॉडल है वो ऑफसीट हो गया है, उसको हम ले नहीं सकते, कोई परचेज नहीं करेगा। रेनोवेशन करते हैं तो सब चीज नहीं आ जाती है, मतलब ये वो मटेरियल है, अनयूज्ड मटेरियल, इसलिए तो नया लेकिन कंडम हो चुका है किसी कारण की वजह से, यूजेबल नहीं है, यूजेबल नहीं है। जब आप ट्रांसपोर्टेशन में आती है मार्बल वालों के पास या इनके टाइल्स वालों के पास, बिल्कुल, तो लोडिंग अनलोडिंग में या ट्रांसपोर्टेशन में कोई ब्रेकेज हो जाती है तो पीस नहीं बिकता उनका, नहीं बिकता, तो वो हमने उसे टाइप किया है। ठीक है। और जैसे भी उनके इस तरह की ब्रेकेज मिलती है, चाहे वो टाइल्स में है, चाहे इट इज ऑल सैनिटरी रिलेटेड। और सैनिटरी रिलेटेड कितने कितने ऐसे डीलर्स होंगे जिनके साथ आपने टाइप किया हुआ? मार्बल हाउस में, उनको सबको ये कहा हुआ है, जिनके पास थोड़ा सा होता है ज्यादा, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, ऑलमोस्ट सिर्फ हम ट्रांसपोर्टेशन देते हैं, कई बार वो भी अपनी ही गाड़ी देते हैं, नहीं तो उन्होंने कहीं पे फेंकना है उसको एज ए कूड़ा, और वो पर्यावरण के लिए बहुत नुकसान है। ओके, तो ये कब स्टार्ट हुआ था? ये सर लॉन्ग बैक, मोर देन 25 इयर्स हो चुके हैं इसको, इसको स्टार्ट किया। पहले ये लेजर वैली में था, लेजर वैली सेक्टर 10 में, सेक्टर 10 में था। उसके बाद फिर जो इनके आर्ट को देखते हुए विजयपाल जी इनको मैनेज करते थे, इनके फैमिली पूरी उनको उसके डिवोटेड थी। उसका फाउंडर मेंबर कौन था? फाउंडर ही इज द ओनली वन, ही इज द ओनली विजय, ही इज ओनली वन मैन आर्मी, वन मैन आर्मी बॉस फ्रॉम देयर। तो यहां पे जो उनको उस समय के जो गवर्नमेंट है उन्होंने इनको लैंड दी है अपनी आर्ट एग्जिबिट करने का। ओके ओके, इसके अलावा यहाँ पे और आपके स्टूडेंट्स भी आते हैं, जैसे आपने बताया था स्टूडेंट्स भी आते हैं, उनको आर्ट सिखाते हो? बिल्कुल सिखाते हैं। किस तरह का आर्ट सिखाते हो? पेपरलेस कॉम्पिटिशन होते हैं पेंटिंग के। ओके, तो ये चीज है जो जितनी सर्विक्स पड़ी हुई है, जो बच्चे का इनोवेशन है, बिल्कुल वो चीज है कि आप उसको ब्लॉक्स बना के क्या बना सकते हैं, जैसे टॉटल्स है, अपनी इमेजिनेशन, जो आर्ट का बच्चा होगा जब पेंटिंग में थोड़ा सा। तो मोस्टली ये जो स्टूडेंट्स आते हैं आर्ट्स कॉलेज से आते हैं या कहीं स्कूलों से भी आते हैं? स्कूल से आते हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो है वो आते हैं, कोई भी, एनीबॉडी इज ऑल आर वेलकम, ऑल आर वेलकम। और इसमें कि जो पेंटर ही है वही आएगा। टाइमिंग्स भी होती है इसमें कुछ? टाइमिंग्स ऐसी है जैसे हम लोग वर्कशॉप रखते हैं उनके टाइमिंग होते हैं, अदरवाइज तो अभी पहले था, कोविड से पहले था, टाइमिंग था, कोविड के बाद अभी थोड़ा इसको फिर रेनोवेट किया है। और बच्चों को जो आर्ट वर्क सिखाते हो आप, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हो या कुछ चार्ज करते हो? फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं, मटेरियल भी आपका है सब? मटेरियल भी हमारा ही है, यही पे है, अगर कुछ चीज बना के हम उसी बच्चे को गिफ्ट कर देते हैं, उसी को गिफ्ट कर देते हैं, ताकि वो अपने पास भी रखे और उसको एक मोमेंटो की तरह रखे और आगे घर में और कोई चीज है अपने दिमाग लगा के अपने इनोवेशंस के साथ वो और चीजें बना के भी बताता है कि ऐसे है। ओके ओके, और इसमें चंडीगढ़ प्रशासन भी आपकी कुछ हेल्प करता है, मदद करता है या नहीं? फाइनेंशियली इफ यू से कि नो, कोई फाइनेंशियली कोई हेल्प नहीं है, सिर्फ उन्होंने आपको जगह प्रोवाइड कर दी है, जगह प्रोवाइड की हुई है और इनको अलॉट की हुई है और ये आर्ट एग्जिबिट करने के लिए दी है। ठीक है, इट इज ओनली फॉर द, नॉट फॉर द कमर्शियल यूज, नॉट फॉर द कमर्शियल यूज, जी जी। और इसकी सारी मेंटेनेंस की देखरेख की जिम्मेवारी कौन लेता है? हाँ, बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ मैंने देखा, मिल सब मिलके करते हो, क्योंकि जहाँ डिफरेंट डिफरेंट मैंने देख रहा हूँ सैनिटरी का डिफरेंट डिफरेंट आर्ट वर्क। अभी इससे पहले हमारा एक, अगर आपने नोटिस किया हो, 4950 का चौक जो है वो साइकिल चौक कहलाता है, साइकिल चौक, बिल्कुल, दैट बिग साइकल इज आल्सो ए प्रोडक्ट ऑफ दिस कलासागर का, जी हमी ने बनाई थी, अभी ने बनाई थी, वो G20 का समिट हुआ था, G20 समिट हुआ था, बिल्कुल बाहर डिस्प्ले हुई थी, बिल्कुल। फिर अभी वो परमानेंटली 4950 के चौक पे, और इसको साइकिल चौक कहते हैं, साइकिल चौक कहते हैं, तो उस रोड पे जो भी आते हैं जैसे उधर मटका चौक है, इधर साइकिल चौक हो गया, और मटका चौक का भी हमारे पास रेप्लिका पड़ा हुआ है। ठीक है, इट्स वर्किंग, ठीक है, क्योंकि जब इन्होंने वो जो अभी लेटेस्ट आपने को लेटेस्ट कौन सी चीज बनाई है दिखा सकते हैं? ये अभी लेटेस्ट
आर्ट वर्क का वो एक्चुअली इट इज ओके सर बन जाएगी पूरी ये, उसके बाद हम डिस्प्ले करेंगे इसको। इसके ये जो आर्ट वर्क है जी, इसका प्रशासन ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहीं फॉरेन में भी इसकी कोई एग्जीबिशन को वहाँ पे दर्शाया कि ये देखिए आर्ट वर्क जो हो रहा है यहाँ पे, जैसे आपने कहा और जाहिर किया कि ऐसे होना चाहिए या हुआ कि नहीं हुआ, हम चाहते हैं और कई लोगों ने बात भी की है इसके लिए, लेकिन उसका प्रोसीजर अभी हम फॉलो नहीं कर पा रहे। मैंने काफी सुना है पेपरों में जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, जैसे रोज गार्डन है चंडीगढ़ में, लकाबुजर ने चंडीगढ़ बनाया, लेक है सुखना लेक है, रॉक गार्डन है, लेकिन सेंट्री गार्डन के बारे में इतनी ज्यादा चर्चा सुनने में नहीं आई। आइटम्स जो है वो डिफरेंट, जैसे रोज फेस्टिवल हुआ था वहाँ डिस्प्ले, बिल्कुल हुआ था, फिर लास्ट टाइम जो 2 अक्टूबर की सेलिब्रेशन हुई थी वहाँ पे भी गवर्नर साहब ने भी ऑनर किया था, बिल्कुल, तो उसमें भी जैसे चरखा है या स्वच्छता के ऊपर हमने एक स्पेक्स के लिए बनाया था, तो वो चीजें सारी जस्ट टोटली वेस्ट मटेरियल है, इट्स नॉट अ न्यू वन बॉट की नया खरीद के उसको ये बना दे, तो वो तो फिर पैसा खर्चने वाली बात। और ये वर्कशॉप में मैं देख रहा हूँ काफी आपके औजार बने हैं, मशीनें बनी हैं, कटर बने हैं, सब कुछ पड़ा है, तो इसकी फंडिंग कहाँ से होती है? ये धीरे धीरे ऐड ऑन होती है हमारे पास ही। नहीं, इसकी फंडिंग आप खुद करते हो अपनी तरफ से? अपनी तरफ से, इसमें गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं है? आप अपनी सारा खर्चा जेब से करते हो? जैसे वो ये कहते हैं जुनून से काम, जुनून से, पैशन है आपका, पैशन है, जुनून है, तो उसमें फिर देखा नहीं जाता कि हम किसी से मदद मांगे, कैसे हाँ अगर आती है गवर्नमेंट की तरफ से तो वेलकम है, वेलकम है। लेकिन आप यहाँ पे डेली आते हैं? अभी रिटायरमेंट के बाद तो डेली है। डेली आते हैं, कितने घंटे यहाँ पे आर्ट वर्क करते हो यहाँ पे? जैसे प्लानिंग भी चलती रहती है, कोई ना कोई अब इसके बाद ये बनाना है, कोई मिनिएचर है, कोई लार्ज साइज में है, तो जो भी है आर्ट वर्क है पहले आप अपने माइंड में सोच रहे होंगे आज हमने ये बनाना है, जैसे जो चीजें बन चुकी हैं अभी नेक्स्ट क्या बनाना चाहोगे आप? हाँ, वो आइडिया इंस्टेंटली आता है, इंस्टेंटली आता है कि ये हो चुका, अभी ये बना के देखते वो, और वो चीज ऐसी बनती है हमारी पहले कभी किसी ने नहीं बनाई होती। नहीं बनाई होती, आर्ट वर्क होता ही ऐसे है जी, इंस्टेंटली जो माइंड में आता है फॉलो नहीं करते हम लोग, हमारा ऑल ऑफ सडन में कहते हैं दिमाग में आएगी ये चीज बना के देखे और वो हमारी बनती है, और वो एक यूनिक चीज होती है, हम किसी की कॉपी नहीं करते, कॉपी नहीं करते। तो मैं राजेंद्र बजाज आज मौजूद हूँ कला सागर सेक्टर 36 में, मैं राजेंद्र बजाज अर्थ प्रकाश के माध्यम से कोशिश करूंगा कि हमारे चैनल आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, जिसमें लोगों को भी पता चल सके कि यहाँ आर्ट वर्क होता है, सैनिटरी बनी हुई चीजें यहाँ देखने को मिलती है। धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।